हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपस्टॉक्स के बारे में। अपस्टॉक्स आप सभी को पता ही होगा, एक ट्रेडिंग ऐप है। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप शेयर खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपस्टॉक्स पे जाइए, फिर अपने जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलेगा। 6 अंक की एक यूज़र आईडी होती है और बाद में कंपनी की तरफ से एक पासवर्ड मिलता है, पर बाद में अपने को अपनी सिक्योरिटी के लिए चेंज करना पड़ता है। चलिए दोस्तों अभी साइन इन करते हैं। साइन इन कर लिया है। आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है, किसी की 2001 है, कुछ भी हो सकती है, आपकी 1919 हो सकती है। वैसे फिर आप देख सकते हैं कि ये वॉच लिस्ट है। नीचे नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें एक वॉच लिस्ट है। आपको एक पोर्टफोलियो दिख रहा है जो कि मैंने बनाया है। आप अपने मन आपको जो स्टॉक्स पसंद है आप वो खरीद सकते हैं। बाजू में एक ऑर्डर है, ऑर्डर में आपको पता है, ऑर्डर में ऑल मतलब आपके पूरे ऑर्डर है, ओपन में आपके जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं है वो है, और क्लोज में आपके जो एग्जीक्यूट होके कंप्लीट होके क्लोज में आ जाएंगे। बाद में पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में वो आपका प्रॉफिट है और जो रेड कलर में वो आपका लॉस है, जो कि 2 स्टॉक्स मेरे हैं जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। आप नीचे देख पा रहे हैं मेरे पूरे टोटल वहाँ पे लिखी है, और वहाँ पे आपके बाजू में कितना रिटर्न मिला वो भी लिखा है। अब चलते फंड्स में। फंड्स में आप देख सकते हैं कि मेरा -63 रुपीज़ है, क्योंकि मैंने अभी 2 स्टॉक्स सेल किए हैं, तो मेरा उसकी टोटल आ चुकी है वो -63 समथिंग। तो चलिए दोस्तों ऐड फंड करते हैं। ऐड फंड कर ले, आपको ऐड फंड्स में क्लिक करना होगा। आपको जितना फंड ऐड करना है आप उसकी वैल्यू डालिए। आपके नीचे आपका जो बैंक अकाउंट लिंक है वो आपका बैंक अकाउंट आ चुका है। आपके लिए 3 ऑप्शन है, UPI ट्रांसफ़र है, आपके लिए नेट बैंकिंग है और स्मार्ट ट्रांसफ़र। आप नेट बैंकिंग के लिए चार्जेस लगते हैं तो आप UPI ही कीजिए, UPI फ्री है। आप अपना UPI डालिए। UPI डालने के बाद आपके UPI पे एक रिक्वेस्ट आ जाएंगी, उससे आपको पेमेंट करना है। उसके पेमेंट के बाद आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आप 100 रुपये के ऊपर कितने भी पैसे यहाँ पे लगा सकते हैं, 100 के नीचे यहाँ पे अकाउंट एक्सेप्ट नहीं करता। उसके बाद चलिए अभी चलते विड्रॉल फंड्स पे। आपको वैल्यू लिखनी पड़ेगी, आपको कितने पैसे निकालने हैं, फिर विड्रॉ फंड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अवेलेबल टू विड्रॉ में आपकी वो लिमिट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे होने चाहिए तभी निकाल सकते। चलिए आप वॉच लिस्ट में देख सकते हैं कि मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, मैंने इतने सारे स्टॉक्स ऐड किए हैं। आप कोई भी स्टॉक्स सर्च कर सकते हैं, जैसे कि रिलायंस। देखिए अब मैं रिलायंस सर्च कर रहा हूँ, मेरे स्टॉक्स में पहले से था इसलिए वो रिमूव के लिए ऑप्शन आ रहा। उसको अब अगर आपको ऐड करना होगा तो रिमूव क्लिक कीजिए और ऐड पे क्लिक कीजिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप उस पे स्टॉक्स पे चले जाइए। स्टॉक्स में देखिए आपको ओवरव्यू दिखेंगे, ओवरव्यू में आपको रिलायंस की सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। उसके बाद अब देख सकते हैं कि लाइव ट्रेडिंग चल रही है अभी। अभी शेयर मार्केट का टाइम 9:30 से 3:30 तक रहता है। आप देख सकते हैं लाइव ट्रेडिंग चल रही है। देख सकते हैं आपकी लाइव ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक्स कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलो चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आप अपर सर्किट देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ मतलब कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी की प्राइस बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। आपके बाद ये ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में आपको पता चलता है कि कंपनी कितने टाइम पे कितने पर कितने प्राइस पे थी। आप सभी को वहाँ से पता चलता है। अब आप ऑर्डर पे चलते हैं फ्रेंड्स। ऑर्डर पे चलते हैं। ऑर्डर में अगर आपका ऑर्डर हुआ होगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा, पर आपने मैंने मेरा मेरे पोर्टफोलियो में नहीं था तो नहीं है। अब पोर्टफोलियो में मतलब आपकी होल्डिंग्स होंगी, आपने इसके पहले खरीद लिया होगा तो आपको पोर्टफोलियो में दिख मिलेगा वो, पर नहीं होने के कारण आपको नहीं दिख रहा। देख सकते हैं आप रिलायंस 21 3 4.65 की रुपीज़ में मिल रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, आप अब ऑर्डर की बात कर लीजिए। आप अपने को अब रिलायंस खरीदना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी ओ ओ सी ए एम ओ लिख रहा है, तब ज़्यादातर सिंपल यूज़ करेंगे। ए एम ओ मतलब मार्केट का टाइम ख़त्म होने के बाद, और सी ओ और ओ सी ओ इंट्राडे के लिए, और सिंपल और ए एम ओ है डिलीवरी के लिए। अगर आप आज ऑर्डर शेयर खरीद के आज छोड़ के कल या परसों बेचते, उसको डिलीवरी कहते हैं। चलो मार्केट देख सकते हैं, मार्केट में लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट लिमिट, आप एक एक करके बताता हूँ। देखिए इंट्राडे और डिलीवरी पता ही होगा आपको, डिलीवरी मतलब आज शेयर खरीदना और आज छोड़ के कभी भी बेच देने का, पर इंट्राडे मतलब आज खरीद के आज ही सेल करना। अगर आपने सेल नहीं किया तब भी कंपनी 3:30 बजे अपना शेयर सेल कर देती है, जो भी मार्केट की प्राइस चल रही है वो, फिर आपको लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी। डे और आईओसी बताऊंगा आपको। अगर आपने कोई भी ऑर्डर दिया तो आपको, अगर आपने 50 शेयर खरीदने का ऑर्डर दिया, उस टाइम आपके 50 शेयर के बजाय आपको सिर्फ 10 शेयर ही अवेलेबल होंगे, तो अगर दिन भर में आपको 50 शेयर मिलते होंगे तो आपको मिल जाएंगे। पर अगर आईओसी बोले तो आईओसी में जैसे आपको 50 शेयर लेने हैं, पर जिस टाइम 50 शेयर अवेलेबल ही नहीं है, बस 10 शेयर अवेलेबल है, तो आपको 10 मिल जाएंगे, बाकी के 40 शेयर डिलीट हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं रिलायंस की ऑर्डर की तरफ। मार्केट देख रहे हैं, मार्केट मतलब आपको मार्केट प्राइस में मिलेगा, सिंपल तो सिंपल ही रहेगा। लिमिट मतलब आपको कुछ भी एक स्पेसिफिक प्राइस पे मिल जाएंगे, जैसे कि 2135 है तो अपन 2134 पे लिख सकते हैं। अब जैसे वो प्राइस वहाँ पे टच होगा 2134 को, आपका आपका ऑर्डर कम्प्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि आप सिंपल सिंपल ही रहेंगे, आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट मतलब समझ में आ रहा है कि आपका लॉस रोकने के लिए। स्टॉप लॉस में आप देख सकते हैं आपको किस प्राइस पे खरीदना है, जैसे कि 2135 वैल्यू चल रही है तो मुझे 2133 पे खरीदना है, तो ट्रिगर पॉइंट रख सकते हैं आप एक ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि 2134, समझ रहे हैं ना आप, 2134 रखेंगे। जैसे 2134 पे वैल्यू आ जाएंगे, आपका ऑर्डर आपका ऑर्डर दे दिया जाएगा, और जैसे 2133 हुआ आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। डिलीवरी मतलब तो आपको पता ही है कि आज खरीदा और अगले कितने दिन भी बेच दिया, पर आज छोड़ के डे भी आपको पता ही है। डिस्क्लोज क्वांटिटी की आपकी कोई ज़रूरत नहीं, वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस मार्केट लिमिट मतलब अभी अपना स्टॉक चल रहा है 2136 पे और अपने को खरीदना है 2134 पे, 2134 पर जैसे भी टच होगा उसके आगे या पीछे जो भी वैल्यू चल रही होंगी आपको उस प्राइस पे मिल जाएगा। ये होगी डिलीवरी के लिए, आप क्वांटिटी डालना मत भूलिएगा। फिर आप सब फिल करने के बाद आप अपना एक बार अच्छे से अपनी वैल्यू देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। डिलीवरी के लिए हम सिंपल यूज़ करते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर, वैसे अब मार्केट क्लोज होने के बाद यूज़ होता है, हम सिंपल पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप ओसीओ चूज़ कर लिया है, मार्केट प्राइस भी चूज़ कर लिया है। आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस सेल, स्टॉप लॉस जैसे कि 2139 है, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 2134 का, देख सकते हैं 2134 का स्टॉप लॉस लगाए। अब लिमिट पे क्लिक करते हैं, मतलब स्टॉप लॉस आपका उतना ही रहेगा, बट बाय प्राइस आपको कितने में बाय करना है, कितने कम पे बाय करना है, आप उस पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आप कितने भी लगा सकते हैं लिमिट। ओसीओ देखते हैं, अब ओसीओ मतलब होता है, देखिए बाय प्राइस देख सकते हैं आप 2138 है, चल रहा है अभी बाय प्राइस, मुझे ख़रीदना है 2135 पे, 2135 पे देख सकते हैं। टारगेट है सेल मतलब अपना स्टॉक कितने दूर तक जा सकता है, अपन इतने स्टॉक पर बेच सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टारगेट सेल 5 रुपये से ज़्यादा है, जैसे कि देख सकते हैं 5 रुपये से ज़्यादा है, और स्टॉप लॉस सेल 2 रुपये से कम है, आपको ऐसे न्यूमेरिकल में लगाना पड़ता है, जैसे कि आपका लॉस भी ज़्यादा लॉस कम हो और प्राइस टारगेट ज़्यादा मिले आपको। देखिए मैंने क्वांटिटी फिल नहीं की इसलिए वो रिवाइव कंप्लीट नहीं हुआ, आप रिवाइव पे क्लिक कीजिए फिर बाय कीजिए, आपका ऑर्डर अगर प्राइस में आता है तो कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब देख सकते हैं आप लाइव ट्रेडिंग तो चल ही रही है। अब हम सेल की बात करते हैं, सिंपल
सेल में भी बिल्कुल वैसे का ही वैसे, सेल में भी बिल्कुल सेम ही कंडीशन है, बस आपको क्वांटिटी डालना पड़ता है। आपका ऑर्डर सिंपल ही रहता है, वही सिंपल डिलीवरी इंट्राडे के लिए ए टू जेड से सेम है, बस आपको अच्छे से वो ऑप्शंस आना चाहिए। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, स्टॉक्स खरीदने से पहले कंपनी का फुल एनालिसिस कर लीजिए, कर लिया कीजिए। कोई भी कंपनी खरीदने के पहले उसके फंडामेंटल्स देखिए, देखना ज़रूरी है। अब सेल की भी वैसे ही प्रोसीजर है, आप सेल के लिए वैसे ही सेल कर सकते हैं। आप रिव्यू, फिर से रिव्यू पे क्लिक कीजिए, मतलब आपका ऑर्डर चला जाएगा, प्राइस मिले तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक बताना भूल गया कि वॉच लिस्ट कैसे करते हैं, आप अपने शेयर कैसे ऐड कर पाएंगे। आप पहले सबसे वॉच लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आप अपना क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट पे क्लिक कीजिए, आप अपना अपना पसंदीदा नाम डालिए, कुछ भी आपको जो पसंद है वो। मैंने एक्स वाई जेड डाला, देखिए आप बाजू ऊपर में एक प्लस का साइन है, उस पर क्लिक कीजिए। आप अपनी शेयर को सर्च कीजिए और ऐड कीजिए, ऐड करने का बैक कीजिए, आप देख सकते हैं आपका शेयर आपके वॉच लिस्ट में आ चुका है। जैसे कि मुझे नहीं चाहिए तो मैंने डिलीट कर दिया, देख सकती है आप। ऊपर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट, ग्लोबल अचीवमेंट। आप यहाँ से म्यूचुअल फंड्स के लिए भी ट्राई कर सकती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप एक टिकट लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।